आगामी त्योहारों को लेकर रविवार शाम कंट्रोल रूम में मुस्लिम समाजजनों की बैठक रखी गई। इसमें एएसपी मनीष खत्री, एसडीओपी राकेश मोहन शुक्ला ने दोनों समुदाय के त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से और सौहार्द भरे वातावरण में मनाने की अपील करते हुए कहा कि कोई भी मामला होने पर पुलिस से सीधा संपर्क कर समाज के प्रतिनिधि अपनी बात रखें। सोशल मीडिया या अन्य माध्यम से कोई सूचना मिलने पर पहले पुलिस से संपर्क करें। अनावश्यक अफवाह न फैले इसका ध्यान रखें। किसी तरह के घटनाक्रम पर थाने पर भीड़ लाकर हंगामा करने के दौरान अप्रिय स्थिति बनने पर कानून कार्यवाही से सभी को असुविधा होगी। पुलिस हर वर्ग के साथ न्याय की भूमिका में है और शहर की शांति व सद्भाव के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। सोशल मीडिया पर दोनों पक्षों से धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली पोस्ट डालने से बचने के लिए अपील की। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। ये जो माह है, ये त्योहारों का महीना है, उसको लेकर जो मुस्लिम लीडर्स हैं, जो प्रतिनिधि हैं, उनकी आज एक बैठक आयोजित की गई थी। सुबह होलिका दहन वालों की बैठक आयोजित की गई थी। ये जो आगामी त्योहार है, इनको शांतिपूर्ण ढंग से किस तरह से मनाया जा सकता है, किस तरीके से जो मुस्लिम लीडर्स हैं वो उसमें सहयोग कर सकते हैं, उनसे प्रस्ताव आमंत्रित किए गए थे। आदरणीय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री मनीष खत्री साहब के नेतृत्व में ये बैठक हुई है। बैठक बहुत ही सौहार्दपूर्ण ढंग से चली और इसमें जो सुझाव आए हैं उनको हम जरूर पूरा करेंगे। साथ ही सभी लोगों ने ये आश्वासन दिया है कि खरगोन की परंपरा के अनुसार ही हम लोग जो है ये आगामी त्यौहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाएंगे। हम लोगों ने ऐसी व्यवस्था रखी है कि करीब 50 से अधिक जो नाम दिए गए हैं उन मुस्लिम बच्चों की ड्यूटी भी लगाएंगे उस जगह पे, कि वहाँ पे इस जगह की जवाबदारी उनकी रहेगी। रात को उनको चेक भी करेंगे। इसी तरह रक्षा समिति के सदस्यों को भी इसमें शामिल करेंगे और सभी को विशेष पुलिस अधिकारी मनोनीत कराकर और उनको बैच देंगे और ये प्रयास करेंगे कि आगामी त्यौहार जो है शांति एवं सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाया जा सके। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।